प्रदेश शुक्रवार को भाग्यू चढ़ौनी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रतन सिंह पहलवान के नेतृत्व में शिविरों पर सड़क की जर्जर हालत से दुखी होकर प्रदर्शन किया। मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष रामफल सिंह ने कहा कि बलदेव कैलाश मार्ग करीब 10 वर्षों से जर्जर हालत में है। रोजाना आने जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को क्षेत्रीय जनता को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार ज्ञापन देकर सरकार को पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए कहा है। जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर गंभीर नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष बिल्ला सिंह, मंडल उपाध्यक्ष हीरा सिंह और जिला उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ पुष्पन सिंह, बलदेव नगर प्रभारी नंद उपाध्याय ने कहा कि सड़क पर चलने पर ही पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। इस सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है कि राहगीर आए दिन चोटिल होते जा रहे हैं। रात में आपात स्थिति में लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश है। सरकार से तत्काल सड़क बनवाए जाने की चौड़ीकरण की मांग की। यदि जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य नहीं हुआ तो भाकपी चढ़ौनी शिविरों मोड़ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन करने वालों में डॉक्टर रमेश चक्रवार, मानसिंह चक्रवार, शिवराज सिंह आंगई, बंटी चक्रवार, ब्रजवाला देवी, रामवती देवी व दर्जनों चढ़ों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़ी जो दिक्कत है क्षेत्र की वो ये है कि रात्रि के समय में यदि कोई महिला प्रसव के लिए मथुरा भी जाना चाहे इलाज कराने के लिए तो वो भी मतलब जाने में उनके लिए बड़ी लंबी परेशानी होती है। बलदेव क्षेत्र जो आगरा से जुड़ा हुआ है, श्रद्धालु भी इस रोड से बहुत दुखी हैं। क्षेत्रीय जो यहाँ के लोग हैं, निवासी हैं, इस जो रोड से जुड़े हुए लोग हैं, सेहत और जो मगना सराय और जो भी इस रोड से जुड़े हुए लोग हैं वो भारी दुखी हैं। पता नहीं चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। इस जर्जर सड़क की जो स्थिति है काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है। जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं वो कान में तेल डाल के पड़े हुए हैं। हम आज ये जो सांकेतिक जो एक जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, उसके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि यदि जल्दी ही इन 15 दिनों के अंदर इस रोड पर काम नहीं शुरू होता है तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर जो आपके छबरू का जो मोड़ है यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे और ज़रूरत हुई तो शांति मार्च भी निकालेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर। लेकिन यदि ये रोड का निर्माण नहीं होता है, क्षेत्रीय लोगों में जो आक्रोश है ये आक्रोश और भी गंभीर रूप धारण कर लेगा। एक्सप्रेसवे जाम करेंगे। धन्यवाद। ये प्रदर्शन आज आपने किस उपलक्ष्य में किया है? मेरा नाम वेद कुमार उपाध्याय, नगर प्रभारी भारतीय किसान यूनियन बलदेव चढ़ौनी से हूँ। आज जो हमने जो प्रदर्शन किया है वो हमारी मुख्य मांग है कि जो बलदेव से कैलाश मार्ग, इसको बरौली रोड भी बोलते हैं, जो ये मुख्य सड़क 5 पुलों से जुड़ी हुई है, इसकी हालत 10 साल से खस्ता है। इसमें सारे घंटे बाहर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए दिन यात्री पब्लिक आए दिन एक्सीडेंट की शिकार होती है। तो हम पहले से भी ये प्रदर्शन करते आए हैं और आज तक हमारी किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक अधिकारियों ने किसी ने भी सुनवाई नहीं की, इसलिए हमने आज इसको प्रदर्शन के रूप में भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के माध्यम से अधिकारियों को सूचित किया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये आंदोलन, शांति मार्च, धरना, प्रदर्शन, हम कुछ भी करने के लिए मजबूर हो सकते हैं।